शिक्षार्थी जीवन की सभी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। UPSSC परीक्षाओं के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन यानी कि 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी। नई दिल्ली एजेंसी की रिपोर्ट है। संघ लोक सेवा आयोग UPSSC ने जो है भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार पंजीकरण OTR की सुविधा शुरू की है। अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षार्थियों के लिए आवेदन करते समय हर बार बुनियादी ब्यौरा नहीं भरना पड़ेगा। इससे UPSSC की आने वाले समय में होने वाली जो परीक्षा है, आवेदन वाले अभ्यर्थी को OTR प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने के बाद बुनियादी जो व्यक्तिगत जानकारी देना होगा और इससे आपको बार बार अपना डाटा अपडेट नहीं करना होगा। हालांकि ये चीज़ आपके लिए कितनी बेहतरीन है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट खबर आपके स्क्रीन पर है कि मेडिकल कॉलेजों में अध्यापकों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थित अनिवार्य कर दिया गया है। ये रिपोर्ट्स है नई दिल्ली भोपाल की, यहाँ पर पूरी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट खबर की बात करें तो रही आपके स्क्रीन पर, बस एक क्लिक पर पढ़ाई वीडियो पॉडकास्ट लेक्चर और मूल्यांकन यानी कि DU लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा SOL, जो बाहरी एजेंसी की तकनीक की सहायता लेगा और इससे आपको एक क्लिक पर पढ़ाई के वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, लेक्चर मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट की गई है। नेक्स्ट खबर आपके स्क्रीन पर यह है कि सरकारी नौकरी बार बार नहीं भरना होगा फार्म, UPSSC लाया है OTR। हालांकि ये खबर हो चुकी थी। अगली पेज की बात करें, अगली खबर की बात करें तो फर्जीवाड़ा करने वाले 4 स्कूल प्रबंधक सहित 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। STF लखनऊ की टीम ने कड़ी कार्रवाई की है और कड़ी कार्रवाई के साथ पेपर के 4 सेट आउट कराने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट्स है लेखपाल भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा के आरोप की। और स्कूल प्रबंधक जय बाबू तिवारी, अनिल पांडे और पुनीत कुमार सिंह, शशि प्रकाश उर्फ राजू समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वाकई में यार यूपी में जो भी एग्ज़ाम परीक्षाएँ हो रही हैं, विद्यार्थियों के साथ जो पढ़ने वाले परीक्षार्थी उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ पर चाहे UPSI हो, चाहे UP लेखपाल हो, UP BDO हो, मतलब UP का कोई भी एग्ज़ाम हो, UP TET हो, UP सुपर TET हो, सबकी हालत यही है। वो एक फिल्म नायक फिल्म आपने देखा है, उसमें एक डायलॉग होगा कि सब के सब साले चोर हैं। चलिए अगली खबर की बात करें, ये रही आपके स्क्रीन पर। अगर यहाँ पर बात करें हम, DLED में प्रवेश का दूसरा चरण माह के अंत तक होगा। राज ब्यूरो प्रयागराज की रिपोर्ट है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED प्रशिक्षण 2022 में प्रवेश का पहला चरण 23 अगस्त को पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रवेश के लिए एक और अवसर दिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। बस अवसर ही दो, ऑनलाइन करवाओ, एडमिशन कराओ, लेकिन वैकेंसी भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। आप ये बताओ मुझे कि जब आपके पास वैकेंसी नहीं है, BEd BTC हर साल 4 लाख परीक्षार्थी क्या करेंगे, कहां पर जाएंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है। अगली खबर की बात करें, NTA जो है बताएगा खुद के परीक्षा केंद्र। और यहां पर UPSSC ने शुरू किया अभ्यर्थियों के लिए लीव वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। हालांकि इसकी बात हमने की है। CUT के लिए सबक देश भर के सभी राज्य के साथ जल्द ही जाएगी चर्चा। और नोएडा में बनेगा परीक्षा केंद्र, नोएडा नहीं आप कहीं पर बनवा लो। अगर यही हाल रहा तो परीक्षार्थियों के जो अभ्यर्थी उनके साथ बहुत ही गलत होने वाला है। अगली खबर की बात करें, ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कर सकेंगे विद्यार्थी। जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं संबंध महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होगी और यह पहला मौका होगा जब विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, गणित की प्रायोगिक परीक्षा 30 अगस्त को होगी। वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातक गणित विषय की प्रायोगिक परीक्षा 30 अगस्त को होगी और प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से 2 बजे के बीच गणित विभाग के गणित लैब में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, लेखपाल की जो नकल की बात है, यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट्स में है कि लेखपाल भर्ती में नकल, 4 स्कूल के प्रबंधक बंदी कर लिए गए। हालांकि ये खबर हमने ऑलरेडी आपको पूरे डिटेल्स में बता दिया। और वहीं पर बात करें, 2 वर्ष में शहर होंगे सफाई मित्र सुरक्षित, यानी कि मेडिकल कॉलेजों में बायोमेट्रिक उपस्थित अनिवार्य होगा। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली की रिपोर्ट है कि देश के सभी शहरों में सीवर लाइन और मैनहॉल स्वच्छ भारत 2.0 के दौरान जो मशीन हैं उनको बदले जाएंगे। शहरों में झाड़ू लगाने वाले और कूड़ा उठाने वाले ही नहीं हैं, बल्कि सीवर लाइनों में घुसकर सफाई करने का काम भी मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो काम जो है सफाईकर्मी नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर मशीनें लगाई जाएंगी और की जाएंगी। यानी कि सफाई का पूरा प्रकोप यहाँ पर दिखाया जाएगा। भारतीय सेना में भर्ती की बात करें तो 90 पद पर है। टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी
हमारी ऑफिशियली वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in पर CSIR CDRI के मौके हैं 21 पद के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। DRDO के अवसर हैं आपके पास 1901 पदों पर। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि ये पूरी रिपोर्ट्स आज की यहीं पर संपन्न होती। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।